दोस्तों मोटोरोला ने एच 20 के बाद एच 20 प्रो को लॉन्च करने के बारे में सोच लिया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इसी एच 20 प्रो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जेरिको में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एच 20 प्रो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एच 20 प्रो के डिस्प्ले के बारे में, जो कि बहुत ही बड़ा हाईलाइटिंग फीचर है इस स्मार्टफोन का। दोस्तों इसका स्क्रीन साइज है 6.7 इंचेस। यहाँ पर दोस्तों पैनल जो यूज़ किया है थोड़ा अलग मोटोरोला ने, ओलेड का पैनल यहाँ पर यूज़ किया है। 1 बिलियन कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस पैनल में। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये एक 10 बिट का डिस्प्ले है, बाकी सभी डिस्प्ले जो दोस्तों होते हैं वो 8 बिट्स के होते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वालिटी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको मिल जाता है 144 हर्ज का रिफ्रेश रेट, HDR 10 प्लस का सपोर्ट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। बढ़ते हैं दोस्तों आगे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है दोस्तों स्टॉक एंड्रॉयड 11 बेस्ड आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। चिपसेट दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट यूज़ किया है, 888 तो नहीं है दोस्तों, 870 5G प्रोसेसर यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो कि 7 नैनोमीटर्स पर बेस्ड है और बहुत ही पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की तरफ से। और बढ़ते हैं दोस्तों आगे इंटरनल्स के बारे में बात करते हैं। तो 6GB रैम, 128GB रोम, 8GB रैम, 128GB रोम, 8GB 256GB और 12 256GB के साथ में आपको देखने को मिल जाता है। UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक्सटर्नल कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे कैमरा की तरफ। तो यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है दोस्तों, और तीनों के तीनों बहुत ही कमाल सेंसर यहाँ पर मोटोरोला ने यूज़ किए हैं। 108 मेगापिक्सल का दोस्तों मेन सेंसर है f1.8 के अपर्चर के साथ में। जो सेकंड सेंसर है दोस्तों वो है 8 मेगापिक्सल्स का f3.4 के अपर्चर के साथ में। ये एक दोस्तों पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस सेंसर है, जो कि 5x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। जो थर्ड सेंसर है दोस्तों वो है 16 मेगापिक्सल्स का f2.2 के अपर्चर के साथ में आता है। और जो फील्ड व्यू है दोस्तों वो है 119 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों के तीनों सेंसर बहुत ही काम के यहाँ पर यूज किए गए हैं, मैक्रो वगैरह नहीं दिया है, तो इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और बढ़ते दोस्तों आगे वीडियो रिकॉर्डिंग की। तो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे ये सपोर्ट करता है दोस्तों, और 4K 30-60 फ्रेम्स पर सेकंड पे विथ जायरो EIS के साथ सपोर्ट करता है। बढ़ते दोस्तों आगे सेल्फी कैमरा की तरफ। तो 32 मेगापिक्सल दोस्तों मेन सेंसर आपको देखने को मिल जाता है f2.3 के अपर्चर के साथ में। वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है दोस्तों 4K एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे, 1080p 30 और 120 फ्रेम्स पर सेकंड पे। दोस्तों यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर मिलेगा, ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक लग रहा है, इतना मतलब प्राइस वाला स्मार्टफोन है तो यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलना चाहिए था। 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलता है दोस्तों, तो ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स को यूज़ में लेना पड़ेगा। बढ़ते दोस्तों आगे ब्लूटूथ के बारे में बात करते हैं। तो ब्लूटूथ वर्जन 5.1 आपको देखने को मिल जाता है, NFC का सपोर्ट है। और सेंसर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो फिंगरप्रिंट सेंसर आपको साइड माउंटेड मिलता है और बाकी सभी के सभी सेंसर्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं। बैटरी कैपेसिटी दोस्तों 4500mAh की देखने को मिल जाती है, और इस बार 30 वाट की चार्जिंग भी आपको देखने को मिलती है, जो कि अच्छी यहां पर मोटोरोला ने दी है। कलर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो मिड नाइट ब्लू और एक वाइट कलर वेरियंट भी आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। और प्राइजिंग जो है दोस्तों वो करीब करीब 50-55,000 के करीब करीब इंडियन करेंसी में होने वाली है। तो आप बताओ दोस्तों आपको कैसा लगा ये मोटोरोला एच 20 प्रो स्मार्टफोन। एच 20 भी बहुत ही कमाल स्मार्टफोन है दोस्तों, मेरा वीडियोस के ऊपर अवेलेबल नहीं है, पर आपके कमेंट अगर आते हैं तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।